السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ज़िवाकार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, दोस्तों और साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह ताला का बे इंतहा शुक्र है, उसका फ़जल और करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िली जमीयत अहले हदीस पालघर के ज़ेरे सरपरस्ती आपकी अपनी ये मस्जिद साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा में मुनक़िद हुआ और हमारे इसी पालघर ज़िले के दो मौक़र उलमाए किराम ने अलग अलग मौज़ूआत पर बड़ी गिरा कदर गुफ्तगू की है। शेख परवेज़ सनाबली हफ़िज़हुल्लाह और शेख समीउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों ने अपने मौजू का हक अदा किया है और ज़मीनी हकायक को सामने रख कर बातें की हैं और जिन चीज़ों की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है, मैं समझता हूँ कि हमारा समाज व मुआशरा उन बुराइयों में मुब्तला है। अल्लाह ताला हमारे शेखैन की बातों को सुनने के बाद हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ हमारे नायब अमीर साहब ने भी सदक़े के ताल्लुक से बड़ी बेहतरीन बातें फरमाई हैं और होना चाहिए कि हमें और आपको हर दिन कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में देते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि जब भी जमीयत का प्रोग्राम होता है हमारे कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं हमारी जमीयत व जमात के, जिन्हें मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, जमात का सहारा बनते हैं, जमात को मजबूत करते हैं। ये इनका इसका जो अज्र है ये अल्लाह ही इंशाअल्लाह उनको अता करेगा। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे उलमा के ज़रिए हमारी जमात को मज़ीद मुस्तहकम और मज़बूत अता फरमा। मोहतरम दोस्तों और साथियों, मैंने आप लोगों के रूबरू अभी जो आयत पढ़ी है इसी आयत की थोड़ी सी वजाहत करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ु, के ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इफ्तराक का शिकार ना हो जाओ, अलग अलग टुकड़ियों में न बट जाओ। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों से ख़िताब किया है कि मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ। इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम तबरी रहिमहुल्लाह ने, दोनों ने अलग अलग तफसीरें की हैं। एक ने कहा कि इससे मुराद हबलुल्लाह से मुराद अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह की किताब है, और बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि हबलुल्लाह से मुराद मोमिन मुसलमानों की जमात है। एक तो अल्लाह की किताब और दूसरे मुसलमानों की जमात हबलुल्लाह से मुराद है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हबलुल्लाह से मुराद अल्लाह की किताब कुरान मजीद भी है और मुसलमानों की जमात भी है, दोनों इसमें दाखिल हैं, दोनों एक दूसरे को लाजिम व मलजूम है। क्योंकि जब तक मुसलमानों की जमात इकट्ठा होकर इज्तमाईयत के साथ मिलकर काम को अंजाम नहीं देगी वो अल्लाह के किताब के हक को अदा नहीं कर सकती है। तो लिहाजा अल्लाह की किताब और मुसलमानों की जमात ये दोनों शामिल हैं हबलुल्लाह में, अल्लाह की रस्सी में। मोहतरम भाइयों, जमात इज्तमाईयत किसे कहते हैं? इज्तमाईयत किस चीज़ का नाम है इसको ज़रा सुनिए आप। इज्तमाईयत किसे कहते हैं? खुद को, अपने आप को, खुद को दूसरों के साथ जम कर देना, खुद को दूसरों के साथ मिला देना और आदमी ये भूल जाए कि वो अकेला है, आदमी ये भूल जाए कि वो अकेला है और उसे इस बात का एहसास हमेशा रहे कि मैं
मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूं। उसे यह एहसास रहे कि मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूं। जो काम मैं नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। जो काम अल्फाबसेगे की ताबीर देखिए, जो काम मैं नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं अपने आप को जो काम जमात के करने का है, जो काम जमात के करने का है, जो काम इज्तमाइयत का है, मैं अपने आप को उस काम को अकेला करने का एहसास न जताऊं, बल्कि मैं अपने आप को अपनी जात को जमात से जोड़े रखूं। और जब भी मामला जमात का आए तो अपने आप को अपनी जात को पीछे करूं, जमात को मुकद्दम करूं। यही इज्तिमाइयत है जो अहले इल्म ने वाज़े फरमाया है। मेरे भाइयों, इज्तिमाइयत शरीयत इस्लामिया में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वक्त नहीं है कि मैं एक एक पहलू पर गुफ्तगू करूं, बस कुछ इशारे आपको देना चाहता हूं कि जमात व जमीयत और इज्तिमाइयत की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फाबुदून। और दूसरी जगह फरमाया, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। दोनों आयतें सेम है, बस फर्क कितना है, एक जगह फाबुदून आया है, एक जगह फत्तकून आया है। मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मेरी इबादत करो और मुझसे डरो। मुफस्सरीन किराम ने इन दोनों आयतों को सामने रख करके ये बात वाज़े फरमाई है कि जब तक मुसलमान एक जमात के साथ नहीं जुड़ेंगे, उस वक्त तक वो सही मानों में बंदगी का, इबादत का हक अदा नहीं कर सकते हैं और ना ही वो तकवे के आला मकाम तक पहुंच सकते हैं। मालूम यह हुआ कि जब एक मोमिन, एक मुसलमान इज्तिमाइयत के साथ रहेगा तो वो बंदगी का भी हक पूरा अदा करेगा और तकवा के मदारिज भी तय करेगा। लेकिन अगर आदमी अपनी इनफिरादी शान, इनफिरादी जात, अपनी आना, अपनी शख्सियत को आगे बढ़ाना चाहेगा तो कहीं ना कहीं जा करके वो हिम्मत हार जाएगा। आपको बताऊं, मैं जमाने जाहिलियत में क्या होता था, हर एक आदमी अपने अपने कबीले से जुड़ा हुआ था, होता था। जिस कबीले का जो आदमी होता था वो अपने कबीले का साथ देता था। चूंकि जमाने जाहिलियत का दौर था तो चाहे अच्छाई का मामला हो या बुराई का मामला हो, हर फर्द अपने कबीले का साथ दिया करता था। और जिस जो शख्स अकेला हो, जिसका कोई कबीला नहीं होता था, लोग उसको गुलाम बना लेते थे, लोग उसको उचक लिया करते थे। बिल्कुल आज का जो दौर है, हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारे बहुत सारे अहबाब जिनको दावत के काम का जज्बा है, दीनी काम करना चाहते तो हैं, लेकिन अपनी इनफिरादी पहचान बनाने के लिए इज्तिमाइयत से हटकर, जमात से हटकर अकेले कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह की कसम है, इसी मुंबई में, महाराष्ट्र में, इसी हिंदुस्तान में हमने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग दावत का काम तो करना चाहते हैं लेकिन जब इज्तिमाइयत से हटे, जमात से हटे, करने लगे तो ऐसे लोग उचक लिए जाते हैं। और आज इस वक्त इस मुल्क में ऐसे इनफिरादी तौर पर दावत का काम करने वाले लोगों को, लोगों की नजरें होती हैं कि ये जो काम कर रहा है इसके पीछे कोई तंजीम नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई जमात नहीं, वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो आज जेलों में, कैद खानों में आज जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी वजह यही है कि काम तो अच्छा है, दावत का काम है, लेकिन चूंकि वो इज्तिमाइयत से नहीं रहे, जमात से नहीं रहे, उनका कोई अपना वजन नहीं था, वो हल्के बन कर रहे। जमात से वजन पैदा होता है और जो जमात से जुड़े रहते हैं, अगर कोई मामला दरपेश होता है तो जमात सपोर्ट करती है, वरना आज कितने लोग देखिए। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि
हम सबको इज्तिमाइयत की अहमियत को समझना होगा। और एक बात ये भी बता दूं आपको कि हाँ, हम जमात को चलाने में जितने हमारे उलमा हैं, आवाम हैं, जिम्मेदार हैं, सबका अपना अपना किरदार है, सबको मिलकर इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। राय सब देंगे, मशवरा सब देंगे, लेकिन याद रखिए जमात में एक जिम्मेदार होता है, एक अमीर होता है, एक सदर होता है और एक निगरान होता है। मशवरे सबके आएंगे, राय सब देंगे, लेकिन फैसला करने का इख्तियार सिर्फ एक को होगा जिसको हमने सबने मिलकर जिम्मेदार बनाया। और शरीयत इसी बात का तकाजा भी करती है। और ऐसी कितनी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं कि लोगों ने राय दी और उनकी राय एक्सेप्ट नहीं की गई तो उन्होंने उससे सरे मुंह इनराफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर देखिए, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में क्या हुआ, जब खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, उस वक्त खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन सिपे सालार थे। और ये बात मशहूर हो चली कि खालिद बिन वलीद माहिर हरबो फन है, माहिर है, जंगी महारत उनको बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा ये मशहूर हो गया कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन जिस जंग में जाते हैं सिपे सालार की हैसियत से, उस जंग का हारना नामुमकिन है, वो जंग जीत जाते हैं। तो धीरे धीरे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में बात आई, अगर यही मामला रहा तो कहीं ऐसा ना हो लोगों का ईमान और अकीदा अल्लाह पर से हट जाए, लोग खालिद बिन वलीद पर भरोसा कर लें कि ये जब से पैसालार रहेंगे तभी जंग जीतेंगे, अल्लाह का इसमें कोई दखल नहीं होगा, नऊज़ बिल्ला। तो उमर बिन खत्ताब ने चाहा कि खालिद बिन वलीद को सिपे सालारी के ओहदे से हटा दिया जाए। अब इन्होंने क्या किया, उस वक्त के जो खलीफा थे, अमीर थे, कौन थे, सिद्दीक अकबर थे। उमर बिन खत्ताब उनके पास पहुंचे और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये मशवरा है, मेरी ये राय है कि खालिद बिन वलीद को सिपे सालारी से हटा दिया जाए, इस ओहदे से माजूल कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ऐसा अंदेशा है। अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने सुना लेकिन राय को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। यानी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के कहने के मुताबिक खालिद बिन वलीद को माजूल नहीं किया। अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह नहीं सोचा कि मेरी राय, मेरा मशवरा अबू बकर ने कबूल नहीं किया तो मैं उनके खिलाफ हो जाऊं, ऐसा हमें शरीयत में सलफ के पास नहीं मिलता। और अब आगे बढ़े इसी वाक्य को लेकर के, अब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात हो गई और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के फौरी बाद खलीफतुल मुस्लिमीन बने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो। उमर बिन खत्ताब जैसे इमारत की कुर्सी पर आए, खलीफा बने, तो जो सबसे पहला काम किया उन्होंने यही कि खालिद बिन वलीद को फौरन हटाया सिपे सालारी से। खामोश रह गए उस वक्त, अमीर कोई और था, जिम्मेदार कोई और था, उन्होंने बात नहीं मानी, खामोश रह गए, कोई इख्तलाफ नहीं किया। लेकिन जब खुद ओहदे पे आए, अमीर बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो फौरन खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया, सिपे सालारी से हटा दिया, खत लिख के भेज दिया कि अब सिपे सालार खालिद बिन वलीद नहीं होंगे, अबू उबैदा बिन जर्रा होंगे। अब वहां देखिए क्या हुआ, जब वो फौज है भाई, लश्कर है, फौज है, खालिद बिन वलीद सिपे सालार थे, अब वो पोस्ट से, ओहदे से हटा दिए गए, अब कौन हो गया सिपे सालार, अबू उबैदा बिन जर्रा। खालिद बिन वलीद एक अरसे से सिपे सालार थे, उनके साथ एक टीम थी, एक जमात थी, एक फौज थी, उनको अच्छा नहीं लगा कि इनको हटा दिया गया। आए खालिद बिन वलीद के पास, कहने लगे, खालिद बिन वलीद, अगर आप चाहो तो हम इख्तलाफ करेंगे, मुजाहमत करेंगे, मुखालफत करेंगे, हम अमीरुल मोमिनीन के पास जाएंगे कि आपका यह फैसला सही नहीं है। इस तरह की बात वो लोग आकर करने लगे। खालिद बिन वलीद चाहे थे तो एक बड़ी जमात का साथ लेकर के इख्तलाफ कर सकते थे, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तारीखी जुमला कहकर वहीं पर सबको खामोश कर दिया और कहा कि लोगों, नहीं, कल जब मैं एक सिपे सालार था
तब भी अल्लाह के लिए लड़ रहा था, आज मैं एक अदना सिपाही हो गया हूं तब भी मैं अल्लाह के लिए ही लड़ूंगा, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, मुझे कोई बैर नहीं है, हमारे लोगों ने जो फैसला कर लिया मैंने उसे कबूल कर लिया है। मेरे भाइयों, ये हमारे सलफ की तारीख है। तब तल करके मुसलमानों की इज्तिमाईयत, मुसलमानों की जमात, मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेफाक उरूज पर रहा। और जब ये लोग पावरफुल बन कर रहे, इज्तिमाईयत के साथ रहे, तो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करते रहे। किसी की मजाल नहीं हो सकी थी कि मुसलमानों के सामने आकर के बात कर सकें, पूरी तारीख है हमारी। बहरहाल देखिए, बात आगे बढ़ती चली गई और वक्त भी ज्यादा होता चला गया, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये मैं आज एक जिम्मेदार हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जिम्मेदार हूं तो बात कर रहा हूं, नहीं, मतलब ये है हम जिम्मेदार रहें न रहें, जमात हमारी मुकद्दम होनी चाहिए, इज्तिमाईयत का सबूत देना चाहिए। और एक बात याद रखो, राय जरूर, जैसे मैंने भी कहा ना, राय जरूर दीजिए जमात को मजीद कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मुस्तहकम किया जाए, आप सबकी राय आनी चाहिए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन राय जब दो तो यह सोचकर मत दो कि मैं जो राय दे रहा हूं यही मानी जानी चाहिए, नहीं, ऐसा मत सोचना। अरे राय तो नबी ने भी दी है, और नबी की राय भी, नबी का मशवरा भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हम और आप कौन हैं? इसलिए हमेशा ये सोचो, अगर हम किसी खैर के लिए कोई राय देना चाहते हैं तो सोचो अल्लाह के लिए, अगर राय नहीं कबूल की गई कोई बात नहीं। मैं वो मिसाल देके बात खत्म कर देता हूं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुगीस एक सहाबी, बरीरा एक सहाबिया, इन दोनों का आपस में रिश्ता था, मियाँ बीवी थे, ये लौंडी थी बरीरा और मुगीस गुलाम थे। बाद में एक ऐसा वक्त आया कि बरीरा ने आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मुकातबत करके, कुछ अहद पैमान करके अपने आप को आज़ाद कर लिया, और आज़ाद होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं मुगीस के साथ अब नहीं रहूँगी, उन्होंने उनसे तलाक लेना चाहिए। अब मुगीस को बड़ी मोहब्बत थी बरीरा से, मुगीस कहते हैं नहीं बरीरा, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन बरीरा को मुगीस के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुगीस रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहने लगे अल्लाह के नबी जरा बरीरा को समझा दीजिए, मैं बरीरा से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मेरी बीवी है वो, और वो मुझसे तलाक चाह रही है, खुला चार मुझसे अलग होना चाहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझा दीजिए। तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे कहा ऐ बरीरा, देखो तुम मुगीस के साथ ऐसा मत करो, मुगीस तुम्हें बहुत चाहते हैं, उन्हीं के साथ जिंदगी तुम गुजार लो। अब बरीरा जो अभी तक मुगीस को कह रही थी कि नहीं मुझे रिश्ता नहीं रखना है, नबी का जब मशवरा आ गया तो बरीरा वहां पर एक सवाल करती है अल्लाह के नबी से, कहती है अल्लाह के नबी आपने अभी अभी जो बात कही है ये आपका हुक्म है या मशवरा है, आपका हुक्म है या मशवरा है? बरीरा ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी ने कहा कि बरीरा नहीं, मेरा हुक्म तो नहीं है। बरीरा का कहने का मतलब क्या था, नबी अगर हुक्म है आमन्ना सद्दकना, उसमें तो कोई चूचरा नहीं, लेकिन अगर हुक्म नहीं है तो क्या मशवरा है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ बरीरा, ये हुक्म नहीं है, ये मेरा मशवरा है। तो बरीरा कहती है अल्लाह के नबी अगर मशवरा है तो मैं, मुझे तो इख्तियार है, फिर मैं मशवरा आपका ले भी सकती हूँ, रद्द भी कर सकती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ बरीरा, तुम चाहो तो मशवरा मेरा कबूल भी कर लो या चाहो तो रद्द कर दो। अल्लाह के नबी मुझे मुगीस के साथ नहीं रहना है, खलास। बरीरा ने कबूल नहीं किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो शरीयत है, हम जिस दीन को फॉलो करते हैं वो इज्तिमाईयत को बहुत अहमियत देता है। राय है, मशवरा है, समोतात है, इतात है, बड़ों की सुनना, बड़ों की मानना, अपने जहन में बहुत सारे ख्यालात आते होंगे उसे झटक देना और इज्तिमाईयत का साथ देना, अपनी इनफरादी पहचान बनाने के बजाय अपने आप को पीछे कर लो चलेगा, लेकिन
जमात को इस्लाम को मुकद्दम करो, यही असल में सरमाया है हमारा। अगर हम इसमें जरा भी कमजोर हुए, याद रखना हम बिखर जाएंगे। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अल्लाह हम सबको इज्तिमाईयत को, अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।